अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। सो गाइज, आज जो है, आज इनाया और मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग तीनों बहुत सैड हैं क्योंकि हमारा जो डॉग है वो जा रहा है ब्रीडर के पास। तो थोड़ा सैड भी हैं, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सैड हैं हम लोग, क्योंकि ये चले जाएंगे जैक साहब। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि गाड़ी में क्या क्या करते हैं जैक, और क्योंकि मुश्किल है गाड़ी में वीडियो बना, आपसे बात करना और उसको संभालना भी, तो मैं आप लोगों को वॉइस ओवर करके दूंगी। और ये देखें, ये आ गए हैं जैक साहब और ये हैं नाया। तो देखते हैं कि आप लोग देखें, मैं आपको बताती रहूँगी कि जैक जो है वो कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को अपने डॉग जैक की कहानी सुनाऊंगी। तो जैक जो हैं वो जा रहे हैं ब्रीडर के पास बेबीज़ करने के लिए, तो ओहायो में जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा सैड हैं क्योंकि ओहायो तो दूर है न्यूयॉर्क से। तो बस ये है कि जैक हमसे ज़रा जुदा हो जाएंगे काफ़ी दिनों के लिए, और अब देखते हैं कितने साल रहते हैं वहाँ पर, ये अपनी डॉग फैमिली बनाएंगे। तो हम खुश हैं इस बारे में कि चलो एटलीस्ट ये अपनी फैमिली बनाएंगे, क्योंकि ये जो है ये न कोई आम डॉग नहीं है, ये ख़ानदानी डॉग हैं। इनकी जो जीन्स हैं हमें बढ़ानी थी, नस्ल बढ़ानी थी, इस वजह से हम चाह रहे थे कि जैक की ब्रीड हो, ब्रीड बेबीज़ हो। तो खैर, अब आप जैक का आज हमारे साथ देखेंगे कि जैक कैसे आया था जब छोटा सा था और कैसे ये ग्रो करा, इसने बड़ा हो गया माशाल्लाह से, अब ये 10 ईयर्स ओल्ड है और इनाया की जान है, हमारी पूरी फैमिली की जान है। तो ये जैक के पहले दिन की पिक्चर है जब इनाया, देखें आप छोटी सी इनाया नज़र आ रही हैं आपको, और जैक भी छोटे से नज़र आ रहे हैं। जैक सिर्फ 8 वीक्स के थे जब हमारे पास आए थे, तो बस हमारे साथ इतने घुल मिल गए थे जैक कि हम उनको भूल ही नहीं सकते। वो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा हैं जो कि हमसे बहुत क्लोज हैं। तो खैर, इनाया बहुत उन्हें पसंद करती हैं, आप देख रहे हैं इनाया कैसे उनके साथ फ़ोटो शूट करवा रही हैं। अच्छा, अब कहिए उसे सेट कहिए, देखते हैं वो बैठते हैं कि नहीं। गुड बॉय, वाओ, ये तो बात सुनता है। Naya. Hey, me. Hi. Hey, right there. That's Yay. It. तो यहाँ पे हम जैक की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो मुझे पिक्चर्स मिली, वीडियोस मिली पुरानी, वो मैंने डाली, थोड़ी ब्लरी हैं, उसके लिए माजरत गाइस। और मैं अब आपको जैक, ये जैक का केक है और ये जैक के बेस्ट फ्रेंड हैं, इनका नाम है स्नोबॉल जो कि बनी है। बस ये अब दुनिया में नहीं रहे, जैक इनके साथ बहुत खेलते थे, तो ये जैक के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब जैक थोड़ा सा अकेले हो गए उनके बगैर, लेकिन ये है कि अब जैक जो हैं वो हंटिंग डॉग हैं, तो ये मेरे हस्बैंड के साथ और मेरी बेटी के साथ हंटिंग भी करने जाते थे, तो वहाँ से डग्स हंट करते थे और इनको बहुत मज़ा आएगा। अभी आप आगे देखेंगे कि कैसे वो जैक की जो हंटिंग का है वो भी देखेंगे। ये देखें यहाँ पर, ये जैक साहब बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, और ये मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के साथ डक इन्होंने पकड़ी है। तो बस हमारी तो ये जान है क्योंकि हमें बस खुश रखते थे। और मुझे ये याद है जब मेरे हस्बैंड जब
जाते थे मीटिंग्स के लिए और दूसरे स्टेट जाते थे वन वीक के लिए, तो जैक होते थे जो हमें प्रोटेक्ट करते थे। तो जैक बहुत ही ज़बरदस्त डॉग हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके बेबीज़ हों। तो क्योंकि जो इसकी जो ब्रीडर थी उन्होंने भी हमें यही कहा था कि इसके जो बहन भाई नहीं हैं तो इसलिए तो कोई और बेबीज़ हो ही नहीं सकते। तो ये जो है ये अभी स्टिल यंग है, 10 ईयर्स ओल्ड है, तो इसलिए अभी कर सकते हैं, अभी बेबी हो सकते हैं इनके, क्योंकि ज़्यादातर 15 ईयर्स या 16 ईयर्स में ये मर जाते हैं। तो हम चल नहीं चाहते थे कि जैक सिर्फ एक ही रहे, हम चाहते थे और भी जैक के भी बेबीज़ भी हम देखें। तो जैसे ही मुझे पिक्चर्स और मिलेंगी चीज़ें, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी जैक की, कि जैक कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी फैमिली कैसी है, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मेरा ये व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा ज़रा इमोशनल भी है, हमारे लिए तो बहुत इमोशनल है, लेकिन ये है कि जैक की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और भी, तो हम खुश हैं जैक के लिए, क्योंकि जैक बहुत अच्छे घर जा रहे हैं, तो और अच्छे घर जा रहे हैं। तो बस अब ये जैक का जाने का टाइम आ गया है, बिनाया खुदा हाफिज़ कह रही हैं। गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।